चल रहे हैं तरकुलई मार्केट, और रास्ते में थोड़ा नींद लग रहा था तो कहें कि थोड़ा गन्ने का जूस पी लें। यहाँ पे देखिए गन्ने का जूस बन रहा है यहाँ पे। हाँ, और ये है हमारी मलकिन, देखिए ये भी चल रही है। बेचारी कह रही है कि रास्ते में नींद आ रहा है। नींद आता तो नींद आता तो नींद की दवाई देखिए, गन्ने का जूस, ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। अरे बाप रे बाप, गन्ने का जूस पी रही हैं। कहाँ ने बाप रे, पी लो तू, पी लो पी लो, तो चलो यार लंबा सफर देखे गोड़ो पहुँच गए लगा था कि ढो जाइए। देखिए ये पहली बार गन्ने का जूस पिया है, समझ रहे हैं ना, आधा गिलास ये जूस पी लिया है। अब इसको ठंडा ठंडा बर्फ का जूस पिया है ना, तो लगता है कि तो बुखार उखार ना पकड़े। पता नहीं कौन सा जगह है ये, बैतालपुर के आगे है। यहाँ देखिए डिपो ओपो भी लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए गाड़ी पूरी लगी हुई है सब। बैतालपुर के आगे है, थोड़ा सा निकले हम लोग। और दोस्तों बताइए, मलकिन चल रही है आज, बहुत दिन से सपना रहा लगे तुम चल लिया तरकुलई माई तर, तो तरकुलई माई शायद बुला दिले बड़ी तब हमने चल तीन हो जाए। अरे तो भाई देखिए कुछ सरप्राइज भी होना चाहिए ना। अब चलना है मंदिर के स्थान पे, तो सरप्राइज करने की जरूरत है नहीं। अरे जब भी मन किया तभी चल दिए। देखिए दोस्तों हाईवे पे खड़े हम लोग, इतना ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है सर, और बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं तरकुल माई के स्थान पे, तो हम लोग भी सोचे हैं कि चलिए चलते हैं घूम लेते हैं। जिंदगी में क्या क्या रखा है, तो बहुत है। चल रहे हैं अब, निकल रहे हैं अब हम लोग, तो चलिए फिर आगे देखते हैं, कहीं रुकना होगा, नींद उद आएगा तो फिर रुकेंगे। बहुत नींद आ रही है, खाना सुबह सुबह हम तो कहेंगे रोके नहीं तो हम स्कूल ले गए, हम गाड़ी पर गिर जाएंगे, इतना हमको नींद आ रहा है। हाँ नींद तो आ ही रहा है, एक मिनट उठना उठना एक मिनट। तो दोस्तों देखिए अब चल रहे हैं आप लोग, क्योंकि देखिए अब समय हो गया है निकलने के लिए, धीरे धीरे चले आगे बढ़े। बाबू ओए उठो उठो बाबू, अभी जाएंगे तो जरूर जाएंगे। देखिए आ गए हैं तरकुलई के मंदिर परिसर में, यहाँ इतना ज्यादा भीड़ है चारों तरफ, पूरा भीड़ एकदम देखने लायक है। बाबू को गोदी लिए हैं बेचारी रीता, बाबू सब फील महसूस कराता है। सो गया है क्या बाबू, देखिए सो गया है, थोड़ा थोड़ा जगह है जी, अभी उतारिए चलिए घूमने चलते हैं, चलते हैं मंदिर परिसर में फिर वहाँ देखते हैं। और कैसा लग रहा है, हम कितने दिनों बाद आई हैं? चार पाँच साल हो गया, तो चलिए दोस्तों चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं मंदिर परिसर में। तो दोस्तों देखिए अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे मंदिर परिसर में, और अभी देखिए मंदिर के पीछे ही हम लोग खड़े हैं, और ये देखिए पूजा की थाली रीता ली है बेचारी, और बाबू को हम पास में लिए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए ये पीछे से जो सीन जो दिख रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि हम क्या बताएँ। और यहाँ पे देख लीजिए अगल बगल भी पूरा चारों तरफ मंदिरों का पूरा रेला लगा हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे, और एकदम भीड़ देखने लगा। दोस्तों तो देखिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे देख रहे हैं ये देखिए इतना ज़बरदस्त भीड़ है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ है कि भीड़ एकदम देख के फिर समझिए कि हाड़ एकदम कांप जा रही है, एकदम गर्मी, हाड़ नहीं कांप रही है, सॉरी दोस्तों हाड़ नहीं कांप रही, बहुत गर्मी है, और गर्मी को देखते हुए इतना ज़्यादा। यही देखिए कैसा भीड़ लगा है, ये बाईपास वाला रोड है, और बाईपास के रोड से समझिए कि कुछ लोग जा रहे हैं अंदर, लेकिन अभी तो सबका एंट्री नहीं है, सब लोग लाइन लगा के ही अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ ये यहाँ पे देख लीजिए जो पंडा खड़े हैं ये कह रहे हैं कि उधर से जाइए, और फिलहाल में हम लोग इतना भीड़ लंबी लाइन लगी है कि हम लोग उधर से नहीं जा पा रहे। दोस्तों तो ये देखिए बाबू पूजा की थाल लिया हुआ है इस समय, और क्योंकि इतना ज़्यादा हल्ला कर रहा है कि इसी से हल्ला से एकदम परेशान हो गया है, और रीता लगी है बाबू को संभालने में, और हम लोग देखिए सोच रहे हैं कि लाइन लगाएं कि बाईपास जाएं, अब यही सोच रहे हैं क्योंकि भीड़ देख के तो इतना ज़्यादा डर लग रहा है
कि अब हम क्या बताएं, ये देखिए पूरा सिक्योरिटी भी लगा हुआ है, प्राइवेट सिक्योरिटीज आप लोग समझ ही रहे हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी की वजह से समझिए कि अब एक तो गर्मी, दूसरी बात कि भीड़ को देखते हुए समझिए कि आगे जाने का हिम्मतें नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा कितना लाइन लंबी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, और भीड़ को देखते हुए समझिए कि आदमी का एकदम हिम्मत नहीं। यहाँ देखिए अंदर हम पर्सन में दिखा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे देखिए पूरा एकदम रेलम रेल, ठेसम ठेस, पूरा एकदम गजब का भीड़ है। इतना ज़्यादा भीड़ है कि मतलब आदमी को उसमें चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये है बाईपास वाला रोड, देखिए जो कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं अंदर तो सोच रहे हैं कि बाईपास चल जाएं, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी पंडा जी हैं, देखिए इनसे मिलिए, ये है रीता जी, बेचारी कह रहे हैं कि कैसे पार घाट लाएगी, लेकिन पार घाट का जब मान लीजिए कि अगर मंदिर में परिसर में अगर आदमी आया है तो दर्शन करवे करेगा, चाहे जैसे भी दर्शन करें। तो दोस्तों देखिए ये है मंदिर के अंदर वाला दृश्य, और अभी हम लोग फिलहाल मंदिर के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग यहाँ पे कैमरा चलाना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो देखिए अभी हम लोग मंदिर परिसर के अंदर हैं, किसी तरह से अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा सेल्फी और थोड़ा कुछ वीडियो बना ले। देखिए हम जो माइक ऑन किए थे ना, वो माइक एक तो ऑन हुआ था, दूसरा रिसीवर जो कंट्रोल था ना वो बंद हो गया था। अब सोचिए कि हमको ऊपर से आवाज़ इसमें भरना पड़ रहा है, लेकिन जैसा फीलिंग है वैसा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। फिलहाल में ये शुक्र और सोमवार को हम पहुँचे हैं मंदिर में, और इतना ज़बरदस्त भीड़ है, इतना भीड़ है कि हम क्या बताएं। देखिए बाहर से ही ये मंदिर के पीछे वाला जो कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखा गया है, यहाँ पे बहुत ही भीड़ है ज़बरदस्त, और चारों तरफ से देखिए ये जो लगा हुआ है मूर्ति के जो पीछे वाला जो मूर्ति कुछ लगा हुआ है उसी में लोग कुछ व्यस्त हैं, और उसी में ये लोग लगे हैं। बाबू पकड़ा है पूजा की थाल, बहुत टिकट पूजा तो हम लोग आगे से नहीं पीछे से हुआ है, पूजा पाठ लगभग हो गया है, हम लोग पूजा पाठ मैया के लिए कर लिए हैं। अभी नीता जी अंदर है और वो देखिए वहाँ पे हैं, अंदर हैं, और बाबू पूजा की थाल लिया हुआ है। बाबू ऐसे पकड़ ला सीधा से, मम्मी के मम्मी अभी आ रही हैं, इधर आ जी बा, झाड़ू लग रहा है, इधर आ जाए। दोस्तों सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि हम क्या बताएं। बाबू मम्मी कहाँ पे हैं, उधर गई हैं पूजा करने के लिए, गई हैं पूजा, मम्मी पूजा करने के लिए गई हैं, और बाबू थाल पकड़ा हुआ है। देखिए नारियल अंदर नहीं पड़ा जा रहा है, अब हमको चेंज हो गया है, तरफले में स्थान पर बाहर आदमी फोड़ के और ले आके अंदर चढ़ा रहा है। भाई देखिए ये भी आ गए हैं, चलिए यानी बाहर नारियल फोड़ के अंदर यहाँ पे लेके चढ़ा हुआ है, होगा देखा ना, होगा तो कहा चाहे अंदर बाहर फोड़ेगा, चलो चलिए चलते हैं। दोस्तों देखिए इतना भीड़ है ना कि पूजा पाठ करना नारियल अंदर, हाँ हाँ चलिए बाहर फोड़े, बड़ी मुश्किल, हाँ हाँ बाबू चलो 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 चलते हैं। देखिए बाबू भी क्या एकदम तैयार हो गया, ये पूजा के बाद चलिए चलिए, भीड़ लग रहा है ना, चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों अब तो नारियल हम लोग लिए थे, अब छोड़ने जा रहे हैं। पूरा लुक चेंज हो गया ना, ये दिखा दर्शन करना तो समझे। जबरदस्त भीड़ है, दर्शन करना भी बड़ी मुश्किल हो रहा है, पूरा बहुत ही लंबी लाइन लगी है। क्या गजब की भीड़ है यहाँ पे, सोमवार का मैंने सोमवार के ज़्यादा भीड़ होता था, आज सोमवार सोमवार सुबह रोए से बहुत ज़्यादा भीड़ था, बाप रे बाप रे, बता लंबी लाइन लगल हुआ, बहुत लंबी दूरी लगल, दूरी लंबा था।
भाई अरे तेरी रख लीजिए ना ना ले लीजिए ये सेकंड का होला उनका लेके खराई में नहीं है जाला ये सेकंड पे दे दा एक और दे दा देखिए इतना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे रख लीजिए रख लीजिए और आशीर्वाद बढ़िया से दे दीजिए आप लोगों का आशीर्वाद बहुत काम करता है आप के लिए अरे वो नहीं करे यार अरे वो फिर देते चलिए See the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.
guide you brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. जल्दी पहुंच जाएंगे।
सरकुलर मार्केट से आए हैं देखो। ओके दिल्ली आवाज दिख रहा है ना इधर सर, सारे बच्चों को देखिए आप। अच्छा जी देखो, अरे बीजी है वो बीजी। तो दोस्तों देखिए देखने में बिजी है ना, अरे गाड़ी वोड़ी देख रहा है ना, उसी में थोड़ा बिजी है। और दोस्तों देखिए मलकिन पकड़ी है कैमरा, इनका भी थोड़ा इलाज कराना था। वैसे हम लोग मंदिर गए थे, देखिए वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ थी, मना समझिए शॉर्ट कट रास्ता से हम लोग निकले हैं। तो देखिए अपने साधन से सवारी जो अपने जो सवारी होता है ना, देखिए दो पहिया चल रही है, चार पहिया हाथ में है, मना ये बड़े भाग्य वाले लोगों को ही मिलता है। चार पहिया पॉकेट में रखिए और मोटरसाइकिल से दो पहिया से सवारी कीजिए। ये जो हम लोग गए थे वहाँ पे ना मंदिर में, मंदिर परिसर में इतना भीड़ है, सोमवार के चलते इतना भीड़ इतना तेज धूप, और बाबू दिखाइए एकदम चिलचिलाती धूप हुई थी समझिए। हाँ अरे बाबू तुम्हें पकड़ा चला होगा तो हाथ भी पकड़ा, देखा गाड़ी आ रहा है दोस्तों। तो देखिए इतना तेज धूप था, चिलचिलाती धूप, और उसमें लाइन लगाना इतना मुश्किल था। किसी तरह से शॉर्ट कट किए हैं एक आदमी से, शॉर्ट कट रास्ता अपनाए हैं एक पंडा से मिल के, कहें कि भाई देखिए बहुत लड़का दिक्कत कर रहा है। वहाँ भी देखिए हर जगह कोई ना कोई सुनने वाला मिल ही जाता है, तो वहाँ पे वो मिल गए थे एक पंडा जी का, चलिए शॉर्ट कट तकलीफ को सुनते हुए समझिए पंडा जी भी सुन लिए, और वो थोड़ा शॉर्ट कट रास्ता से हम लोग को पहुँचा दिए, और हम लोग पीछे वाले दरवाजे से आगे चले गए। पीछे वाले दरवाजे से आगे चले गए समझिए। और जाते वक्त में कोई दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत बस एक ही बात का था, ये जो बैठी है हमारी मिजे ना रास्ता बस सुतती रही है समझिए, झपकी मार रही थी। अरे तो बड़ा झपकी मार रही है ये, अब बताइए गाड़ी पे झपकी मारेगी तो ये अच्छी बात नहीं है। हम कह नहीं है कि भाई देखो भाई कि या तो बोला ज्यादा नहीं दाँत हो गए तो गाड़ी रोक देता नहीं, कहीं आराम आराम कर लो तो कहीं ना ही अब नहीं खोलने वाली। फेंक देते नहीं, कह नहीं ना देखिए हम कहें ना फिर बहुत करके नहीं जाता ना तो लटमे ना घाट गोट।